एकता की नागिन का प्रोड्यूसर पर बड़ा आरोप। जी हां, एकता कपूर के सुपरहिट शो नागिन में लीड रोल निभा चुकी एक्ट्रेस ने अपने शो के ही प्रोड्यूसर पर बहुत बड़े आरोप लगाकर लोगों को हैरान कर दिया। हम बात कर रहे हैं नागिन के स्पिन ऑफ शो में लीड रोल निभा चुकी एक्ट्रेस कृष्णा मुखर्जी की। दरअसल कृष्णा मुखर्जी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जो इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में एक्ट्रेस ने सीरियल शुभ शगुन के निर्माता पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और उन्होंने बताया है कि उनके साथ हुए हादसे के बाद वो लगातार बीमार चल रही हैं और दूसरे प्रोजेक्ट्स में काम करने से भी कतरा रही। कृष्णा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें उन्होंने क्या लिखा आप भी देखिए। वो लिखते हैं, मुझ में कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आज मैंने फैसला किया कि मैं इसे अब और नहीं रोकूंगी। मैं कठिन समय से गुजर रही हूं और पिछले 1.5 साल मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं थे। मैं उदास हूं, परेशान हूं और रो रही हूं। जब मैं अकेली थी तो मेरा दिल टूट गया। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने दंगल टीवी के लिए अपना आखिरी शो शुभ शगुन करना शुरू किया। ये मेरी लाइफ का सबसे खराब फैसला था। मैं इसे कभी नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मैंने दूसरों की बात सुनी और कॉन्ट्रैक्ट साफ कर लिया। इसके बाद प्रोडक्शन हाउस और निर्माता कुंदन सिंह ने मुझे कई बार परेशान किया। इसी पोस्ट में कृष्णा ने आगे मेंशन किया है कि उन्हें प्रोड्यूसर ने मेकअप रूम में बंद कर दिया था। कृष्णा ने लिखा, उन्होंने एक बार मुझे मेरे मेकअप रूम में बंद कर दिया था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने शूटिंग ना करने का फैसला किया क्योंकि वो मुझे मेरे काम के लिए पे भी नहीं कर रहे थे और साथ ही मैं अस्वस्थ थी। वो मेरे मेकअप रूम का दरवाजा पीट रहे थे जैसे कि वो इसे तोड़ देंगे। जब मैं अपने कपड़े बदल रही थी, उन्होंने आज तक 5 महीने का मेरा भुगतान नहीं किया और ये असल में एक बड़ी रकम है। मैं प्रोडक्शन हाउस और दंगल के ऑफिस भी गई, लेकिन उन्होंने कभी मुझे एंटरटेन ही नहीं किया। कृष्णा ने यह भी बताया है कि उन्हें कई बार धमकी दी गई जिससे वो काफी डर गई और टूट भी गई। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सका। इसके अलावा एक्ट्रेस ने यह भी बताया कि यही वजह है कि वो फिलहाल किसी भी शो को नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें डर है कि ऐसा दोबारा हो सकता है। उन्होंने अपनी पोस्ट में न्याय की भी मांग की। वहीं आपको बता दें कि कृष्णा के खुलासे के बाद टीवी शो शुभ शगुन के प्रोड्यूसर कुंदन सिंह ने भी सोशल मीडिया पर रिएक्ट किया है और एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है। कुंदन ने लिखा कि लोगों के लिए झूठे आरोप लगाना कितना आसान होता है। इसी के साथ उन्होंने साफ तौर पर कृष्णा मुखर्जी के आरोपों को गलत बताया। कुंदन ने यह भी कहा कि कृष्णा ने पहले भी प्रोडक्शन से जुड़े 2 और लोगों पर ऐसे आरोप लगाए। उस दौरान वो और उनकी पूरी टीम कृष्णा और उनके परिवार के साथ खड़े थे। कुंदन ने उन दोनों लोगों को शो से बाहर कर दिया था, लेकिन बाद में पता चला कि कृष्णा उन दोनों से किसी बात का बदला लेना चाहती थी। खैर, अब कृष्णा ने कुंदन की हर एक बात को झूठा कहा है। बता दें कि कृष्णा के खुलासे के बाद उनके साथी स्टार्स ने भी उन्हें सपोर्ट किया है, जिसमें शिरीन मिर्जा, अदिति भाटिया, एलिगोनी और श्रद्धा आर्य शामिल है। हालांकि अब देखना तो यह है कि आने वाले वक्त में क्या ये मामला शांत हो जाएगा या फिर और गर्माएगा।